साथियों साधन प्रणाम, मैं हूं गोपाल बोगना। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड हिमालय ब्लॉग में। साथियों सुबह के 7 बज गए हैं और हम जा रहे हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत करने, तो आप देखते रहिए। सबसे पहले हम अपने घर से शुरुआत करते हैं और जो हमारे रोज़ के जो नित्य क्रम होते हैं उनसे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने घर में जो हमारा पूजा स्थल है वहाँ पे पूजा करेंगे और उसके बाद हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, और वहाँ से जो भी रास्ते में हमें दृश्य दिखाई देंगे वो सारे दृश्य आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देखते रहिए, बने रहिए। तो साथियों हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर अपने जो पूजा स्थल है वहाँ पर हम दिया जला के और सुबह भगवान जी का नाम लेके और फिर हम अपने दैनिक कार्यों में जुट जाएंगे। सबसे पहले हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे और मॉर्निंग वॉक में हमें जो भी दृश्य रास्ते में दिखाई देंगे खूबसूरत, वो सारे दृश्य आपको साथ शेयर करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम इस तरह से पूजा पाठ कर लेते हैं, आप देखते रहिए। तो साथियों हम घर से चल दिए हैं मॉर्निंग वॉक पर और रास्ते में कुछ इस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, आप देखते रहिए। साथियों ये सुबह सूर्योदय का दृश्य है जो हमारे घर के नज़दीक से दिख रहा है और आसमान में बादल भी लगे हुए हैं इसलिए सूर्य भगवान क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों मॉर्निंग वॉक पे निकल गए हैं और सुबह को थोड़ा ठंडक है, दिन में काफ़ी गर्म हो जाता है। वैसे गर्मी शुरू हो ही गई है और गर्मियों में रोज़ हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सुबह मॉर्निंग का दृश्य है हमारे पहाड़ों का। और साथियों रास्ते में हमें ये जंगली बड़े खूबसूरत फूल भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आजकल खूब ये इस तरह के जो जंगली फूल होते हैं यहाँ पर खूब खिले हुए हैं। तो साथियों हम अपना जो हमारा लोकल मार्केट है रानीचोरी में, हम वहाँ पर हैं और ये ठीक यहाँ रानीचोरी मार्केट में हनुमान जी का मंदिर है। और साथियों ये यहाँ पर रास्ता है रानीचोरी मार्केट से माँ पुंडरीकाक्षिणी जी का जो मंदिर है हमारी कुलदेवी, वो यहाँ से ये प्रवेश द्वार है ये आप देख सकते हैं। और इस प्रवेश द्वार से ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से मात्र 5 मिनट की वॉक है और हम मंदिर पर पहुँच जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से प्रवेश यह पूरा रानीचोरी मार्केट अभी बंद पड़ा हुआ है और 10 बजे तक ही खुल जाएगा। तो साथियों चल रहे हैं हम मॉर्निंग वॉक पर और आधा घंटा घर से निकला हुआ हो गया है और यह आप देख सकते हैं सामने दृश्य बड़े ही खूबसूरत होते हैं और पहाड़ों के जो सुबह के नज़ारे होते हैं और काफ़ी स्वच्छ और प्रदूषण रहित हवा का आनंद हम ले रहे हैं। और अब तो पहाड़ों में मैदानी क्षेत्रों से पर्यटक आने भी शुरू हो गए हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में गर्मियां बड़ी पड़ रही हैं और फिर पहाड़ों में गर्मियों में रौनक ही रौनक शुरू हो जाती है। आप भी आइए पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में, और यहां का भरपूर आनंद उठाइए। और देखिए आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारे हैं, यहाँ की गाँव की खूबसूरती, यहाँ के लोगों का भोलापन सचमुच दिल को भा जाता है। और ये हमारी मिसेज जी हैं हमारे साथ, अनिता देवी जी बाय, ये भी मॉर्निंग वॉक पे हैं। और कल से हमने मॉर्निंग वॉक शुरू किए क्योंकि हम सर्दियों में 2-3 महीने यहाँ पर मॉर्निंग वॉक नहीं हो पाती है क्योंकि ठंड बड़ी होती है। और अब आज हमारा दूसरा दिन है और ये निरंतर अक्टूबर महीने तक चलता रहेगा हमारा मॉर्निंग वॉक का। और अक्टूबर के बाद तो थोड़ा ठंड शुरू हो जाती है इसलिए हम फिर मॉर्निंग वॉक पे थोड़ा अपनी रोक लगा देते हैं। और बड़ा मज़ा है, नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं और बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी ताजगी महसूस हो रही है सुबह सुबह पहाड़ों में वॉक करने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के नज़ारे,
बड़े खूबसूरत नज़ारे साथियों आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक बार ज़रूर कर इस चैनल को, जिस चैनल के माध्यम से मैं, जो हमारा चैनल है उत्तराखंड हिमालय ब्लॉग, इसको एक बार ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और इससे होता क्या है कि हमें जो हम वीडियो बनाते हैं, जब हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर जब हमें रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो हमारा हौसला बुलंद होता है और हम अपनी जो वीडियो होती हैं निरंतर उनमें सुधार करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए साथियों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे तो आप बने रहिए, आगे भी आपको बहुत कुछ दिखाना है तो आप देखते रहिए। तो साथियों आप देख रहे हैं हमारे पहाड़ों के सुबह के नज़ारे और हम आपको बराबर दिखा रहे हैं जो रास्ते में खूबसूरत नज़ारे हमको दिख रहे हैं। और ये हमारी पत्नी अनीता देवी जी हैं और हम, ये इनके हाथ में डिब्बा है और सुबह हम दूध लेके भी, दूध लेने भी जाएंगे और अपना ये सुबह मॉर्निंग का काम भी हो गया है और आप तक ये खूबसूरत वीडियो भी हमने दिखा दिए हैं। तो आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और इन खूबसूरत नज़ारों को आप देखते रहिए। तो साथियों आप देख रहे हैं पहाड़ों के खूबसूरत दृश्य और हम तो वॉक कर ही रहे हैं, साथ में आपको भी पहाड़ों की मॉर्निंग वॉक करवा रहे हैं। तो आप देखते रहिए, मॉर्निंग वॉक भी करिए और पहाड़ों का आनंद भी लीजिए। ये रास्ते हैं पहाड़ों के जिन पे हम चल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, इन पे चलने का एक विशेष आनंद होता है, ये आप देख सकते हैं। साथियों आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल आजकल पहाड़ों में खिले हुए हैं। तो साथियों आप इन दृश्यों का आनंद लेते रहें और अब हम जो सुबह दूध लेने जाते हैं उस तरफ जा रहे हैं और तकरीबन सुबह की वाक हमारी समाप्त होने पर है और अब थोड़ा बहुत अभी कुछ और दृश्य होंगे वो आपको दिखा रहे हैं, तो आप थोड़ा बने रहिए और देखते रहिए। और ये फल है पहाड़ी खटाई बोलते हैं और वैसे हिंदी में इसको गलगल बोलते हैं और सर्दियों में ये फल को यहाँ पर बड़े चाव से खाया जाता है, नमक मिर्च सरसों का तेल मिला के। और सर्दियों में लोग सर्दियों की चिलचिलाती धूप में छत के ऊपर दिन में बैठ के इसका आनंद लेते हैं। और साथियों अब हम आपको दिखा रहे हैं अखरोट के फूल किस प्रकार के होते हैं, तो आप देखिए ये हैं अखरोट के फूल, आप नज़दीक से देख सकते हैं ये लंबे लंबे होते हैं। साथियों ये चुल्लू का पेड़ होता है और इसको वाइल्ड एप्रिकॉट बोलते हैं और आप देख सकते हैं बड़ा भारी पेड़ होता है और इस पर चुल्लू लगते हैं, बड़े मीठे होते हैं और चुल्लू की जो गिरी होती है जिसको, वो बादाम की तरह होती है लेकिन कड़वी होती है और उस गिरी से तेल बनाया जाता है और वो बड़ा ही ठंडक प्रदान करने वाला तेल होता है और सिरदर्द और मालिश में उसका यहाँ पर पहले से प्राचीन समय से उपयोग में लाया जाता है। और साथियों अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पशुओं के जो चारा होता है, जो घास होता है, उसको किस ढंग से यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये पुरेड़े बोलते हैं इनको,
हमारी पहाड़ी भाषा गढ़वाली में, और इनको इस तरह से ढेर लगा के रख देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए, और काफ़ी लंबे समय तक इसको इस तरह से रखने पर भी ये ख़राब नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं पुरेल्डे। तो साथियों, हमारी मॉर्निंग वॉक समाप्त हो चुकी है, और मुझे पूर्ण आशा है कि आपने भी इस मॉर्निंग वॉक का आनंद लिया होगा, पहाड़ों का आनंद लिया होगा। और आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। जय भारत, जय उत्तराखंड।